ना कूदना, इसे सारे गांव में ढूंढते फिरो। ला जल्दी दे सब्जी काटूं, तेरे बापू आ रहे होंगे ढाबे से, जल्दी कर, जल्दी हाथ चला ले। मरी जरा कमर भी झुका लिया कर, देख नीचे कितना कूड़ा पड़ा रह जाता है। और सुन, एक बार पोछा और लगा दियो, तेरे बापू को साफ सुथरा घर अच्छा लगता है। अम्मा सुबह ही पोछा लगाया था ना। बहस करती है, जब कह दिया ना पोछा लगा दे तो लगा दे। और सुन, आटा भी मांड के रख लियो, तेरा भैया और बापू आ ही रहे होंगे ढाबे से। जी ये लो। आगे सारा, देख तेरे बापू आगे चाय बना ला और मुन्ना के लिए दूध लिया। आज तो घनो थक गए हो। हाँ, कैसे लग रहे हो? अरे मुन्ना, अरे आज तो तेरा नतीजा मिलने वाला था ना, हैं? क्या हुआ? अरे बोलना, चुप क्यों है? बाबा चाय। बस सिर्फ चाय? कलस्तर में रस रखा है ना, निकालना। बस बस रहने दे, रहने दे। हाँ मुन्ना, दिखा तो नतीजा। बोल बेटा। अरे बाबा, देख के क्या करोगी? सुन ही लो ना, मैं फिर से फेल हो गया। हाँ? तू फिर से फेल हो गया? फूट गई मेरी किस्मत। तो क्या हुआ, अब के फेल हो गया तो क्या हुआ, अगले बार पास हो जाएगा। एक तो इस बार बीमार कितना रहा। अरे बस बस रहने दे, तू चुप रह बस। बेटा है ना, चार बार फेल हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना दिल करता है मेरा, मैं भी पढ़ती लिखती दूसरे बच्चों की तरह, डॉक्टर आंटी की तरह बनकर लोगों की बीमारियां दूर करती, या कौशल्या आंटी की तरह स्कूल में पढ़ाती। अरे सो गई क्या निगोड़ी, सारा काम पड़ा है। अरे ठीक से पांव दबाना, पता नहीं क्या सोचने लग गई तू। और क्या, मुझे तो एक ही बात की फिक्र खाए जा रही है, तारा के ब्याह की। देखो जी, हमारी तारा देखने में इतनी सुंदर है, मोहल्ले के लुच्चे लफंगे लड़कों ने उसका जीना हराम कर रखा है। अब तू क्या चाहती है, लठ लेकर पिलपल उन सब पर? कैसी बातें करते हो जी, हमें तो यही रहना है। और फिर पड़ोसियों से बैर लेके कोई रह सकता है क्या? मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारी तारा के हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाएं तो अच्छा है। अब तू क्या सोचती है, मुझे कोई फिक्र चिंता नहीं, जैसा दामाद हमें चाहिए वो आसानी से नहीं मिल जाता। अब जिसे देखो वो मोटरसाइकिल और टीवी से कम बातें नहीं करता, ऊपर के खर्चे सो अलग। अरे हाँ, तू कह रही थी कि तूने रुकमन बुआ से बात कर रखी है। कह तो रखा है, लेकिन इतने दिन हो गए वो भी कोई खबर लेकर नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग मत चाट, जा जाके देख रोटी बनी है या नहीं, जा जा। अरे ऐसा घर और लड़का ढूंढा है जो बरसों पांव तोड़ो तो भी ना मिले। लड़के का अच्छा कारोबार, घर का पक्का मकान, और लड़का देखने में किसी फिल्म का हीरो लगता है, हीरो। और फिर कोई भाई बहन भी तो नहीं है, राज करेगी अपनी लड़की, राज। फिर तो मजा आ गया रुकमन बुआ, लेकिन तुमने हमारी हैसियत के बारे में तो ठीक ठीक बता दिया था ना। हाँ भाई, हम बारातियों की खातिरदारी बढ़िया करेंगे, दामाद को सोने की जंजीर और घड़ी वगैरह भी देंगे, पर उसके आगे कुछ नहीं चाहिए उन्हें। लड़के की माँ से सारी बातें खुलासा हो चुकी हैं, पर बात ये है कि लड़का पहले तो ब्याह के लिए राजी नहीं होता था, नाना करते करते 40 पार कर गया। 40 यानी कि 25 साल का फर्क। तो क्या हुआ, तेरे मेरे बीच भी तो 18 बरस का है, क्या फर्क पड़ता है, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती भगवान। रुकमन बुआ हमारी तरफ से पक्की हाँ है, बस तू फटाफट हमें उनसे मिलवा दे ताकि ब्याह की तारीख पक्की कर दे। अरे तू क्यों रो रो के अब शकुन कर रही है, हैं? बाबा। चुप, हम तेरे माँ बाप हैं, जो कुछ भी करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे। जा रुकमन बुआ के लिए चाय बना के ला फटाफट, चलते फिर होती रहती है।
मेरी कोई मर्जी नहीं, कोई हाँ या ना ही नहीं। क्या मैं इंसान नहीं? बहू, बहू जी, सतीश तो सो रहा है, चल तू चाय पी ले। तू रो मत, देख अब तू ही तो मेरी उम्मीद है। यही सोच के तो मैंने सतीश की शादी की थी कि वो शराब छोड़ देगा। मेरा बेटा शराब ही नहीं है, बस बुरी संगत में आ गया है, उसकी शराब ने ये हालत बना दी है। देख धंधा भी चौपट हो गया है, दुकान पे ग्राहक भी नहीं आते, इससे बेचारा बहुत परेशान रहता है, सारा दिन शराब में धुत रहता है। बाजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस बहू, अब तू ही तो मेरी एक उम्मीद है। खाइए ना, मैंने माजी से पूछकर आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। वो क्या है ना कि मुझे पता ही नहीं था आपको क्या पसंद है क्या नहीं। खाना कैसा बना है? आप तो कुछ बोलते ही नहीं। ठीक था। अब मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तारा, मेरी बच्ची, कैसी है तू? तुझे देखने का दिल किया तो देखने चली आई। अरे माँ, आओ ना, इधर बैठो, आओ बैठो। अब बताओ बाबा कैसे हैं? सब ठीक है, पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये निशान क्या तुझे यहाँ मारते भी हैं? ओ माँ, बहन जी, हमने तो ये सोचा था कि ये आ गई है, सतीश की शराब छुड़ा देगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। जरा सा काम करती है तो हाथ जला लेती है या फिर थक जाती है। मैं तो कहूँ बहन, इसे घर ले जाओ, जब ये कुछ काम सीख ले तो इसे भेज देना। अम्मा, वैसे भी बेटी एक बोझ होती है, उसका ब्याह करके माँ बाप हल्के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा ही बोझा वापस हमारे सिर पर आन पड़ा। और अब तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे। अब ये दिन भी देखना था हमें। मैं तो कहता हूँ भेजो इसे वापस अपने ससुराल, अपना किया आप ही भुगतेगी। हम कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे और इसे घर में बिठा के खिलाएंगे? मौका देख करके उससे बात करूंगी। कचरी, मैं सब पर बोझ बन चुकी हूँ, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं जीना नहीं चाहती कचरी,
मैं जीना नहीं चाहती। तारा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुझे ये तो पता है मैं अब्दुल चाचा के यहाँ सिलाई करती हूँ। हाँ तेरे ही तो कहने पर मैं उनके यहाँ सिलाई सीख रही हूँ। तो अब वहाँ एक दीदी और है जिनके यहाँ औरतों को मैं सिलाई सिखाती हूँ, शायद वो कोई रास्ता निकाले। हाँ तूने मुझे बताया तो था। हाँ हाँ वही दीदी, आज वो दीदी यहाँ आने वाली है और मुझे तो लगता है वो तेरी परेशानी का हल जरूर करेंगे। सच? और देख अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे खुद से ही कदम आगे बढ़ाने होंगे और हालात का सामना करना होगा। तू ठीक ही कहती है। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया होता। पढ़ी लिखी होने पर तुम अपनी मदद आप कर सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सच? हाँ आप मुझे पढ़ाएंगी? हाँ बाबा। खचरे ये मुझे पढ़ाएंगी? हाँ हाँ हाँ। फिर स्लेट और किताब लेके बैठ गई। अरे मैं पूछता हूँ तुझे और कोई भी काम है या नहीं? जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे इतना ध्यान तूने ढाबे पर दिया होता तो चार पैसे भी कमाती। कुछ और काम की तरफ भी ध्यान दे दिया कर, घर में और भी काम है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मजाक बना रखा है। चल चल मेरे लिए चाय बना के ला। पता नहीं ये पढ़ाई की मुसीबत कहां से आ गई हमारे गांव में। इस प्रौढ़ शिक्षा ने तो हमारे गांव में आकर हमारा नाक में दम कर दिया। अरे तारा क्या बात है तारा, आजकल तू खेत पे नहीं आती, क्या हुआ है? हाँ तारा, अरे तारा इसे क्या हुआ? पता नहीं मैं इसे देखती हूँ। आइए बहन जी, क्या चाहिए आपको? जी कुछ नहीं, मेरा नाम कश्यप है और मैं आपकी बेटी तारा को पढ़ाती हूँ। तो क्या चाहती हैं बाप? मैं क्या चाहूँगी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी बेटी तारा आगे पढ़ाई करे। आपके चाहने से क्या होता है, वो हमारी बेटी है, हमने चाहते उसे पढ़ाना। और फिर इस उम्र में पढ़ के उसने कौन सा कलेक्टर बन जाना है, करना तो उसने वही चक्का चुलाई है। देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, आप अपनी बेटी को आगे पढ़ने से रोककर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप हमें मत समझाइए हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं तो सुनिए, एक तो आपने अपनी नाबालिग बेटी की शादी करके कानूनन जुर्म किया है, अगर पुलिस को इस बात का पता चल गया ना तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। सुनिए जी अब पढ़ाई की बात तो ठीक है पर इस पे खर्चा भी तो होता है और हमारे पास इतना नहीं है कि पढ़ाई पे झोंक दे। बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने से मत रोको। देखिए आप खर्चे की चिंता मत करिए, वो मैं देख लूंगी, बस आप तो अपना ये मन मनाइए कि आपको अपनी बेटी को आगे पढ़ाना है। तो ठीक है अगर खर्चा नहीं है तो फिर हमें क्या परेशानी है, आप जैसा ठीक समझे। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे तारा ये ले दो ब्लाउज पीसे, अब्दुल चाचा दे गए थे तेरे लिए और कह गए थे कि जब तू इन्हें सीले तो उन्हें भिजवा देना। पर दीदी मैं इन्हें सीऊंगी कैसे, मेरे पास तो मशीन नहीं है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू केंद्र की मशीन पर इसे सीले। अच्छा ये बता तुझे कितनी सिलाई आती है? सिलाई तो मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ब्लाउज और पेटीकोट भी अच्छा काट लेती हूँ, लेकिन सूट काटने में थोड़ा हाथ तंग है। वो अब्दुल चाचा के यहाँ थोड़ा ही दिन काम किया था ना, आपको तो पता ही है कि बाबा और अम्मा ने मेरा वहाँ जाना बंद कर दिया था। अरे कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ तारा केंद्र में आने वाली औरतों को सिलाई सिखा, इससे तेरा हाथ भी साफ होगा और तू कुछ पैसे भी कमा लेगी। शुक्रिया दीदी, आप देखना
कि मैं यहाँ पर सारी औरतों को कितनी जल्दी सिलाई सिखाती हूँ। और फिर धीरे धीरे मेरी तरह बन के तू ये केंद्र चलाने लगेगी। नहीं दीदी, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं तो आप जैसी बनना चाहती हूँ। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। तारा, मैं बहुत खुश हूँ तुझमें इतनी हिम्मत देखकर। अच्छा ले, तू ये ब्लाउज पकड़ और इन्हें जल्दी जल्दी सी ले। जी दीदी। और सुन, अब इस केंद्र की जिम्मेदारी मैं तुझे ही सौंपने वाली हूँ। ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। चल ठीक है, अब जल्दी से इन्हें सी ले। और बीना, आप दिखाओ क्या किया। उधर से अम्मा की स्लेट भी लो। कुछ चाहिए तुझे? नहीं बाबा। तो फिर यहाँ कर क्यों खड़ी हो गई सिर पे मेरे? बाबा वो, बाबा वो क्या? अब क्या कर दिया तूने? कुछ नहीं बाबा, वो ये पैसे। पैसे? 200 रुपए? ये कहाँ से आया तेरे पास? अरे ओ कमला, इधर तो आ जरा। जी। पूछ तो इससे, कहाँ से लाए ये इतने पैसे? ये रुपए कहाँ से आए तेरे पास? अरे बताती क्यों नहीं? अम्मा, बाबा, ये पैसे वो सिलाई। सिलाई? कहीं तूने फिर तो अब्दुल के यहाँ जाना शुरू नहीं कर दिया सिलाई के बहाने? देखा कमला, बस्ती के लोग गलत नहीं कहते कि तेरी बेटी क्या कुल खिला रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप अपनी बेटी से ज्यादा दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं, वो भी उन लोगों पर जिनकी नजरें हमेशा आपकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करती रहती हैं। अरे आपको तो नाज होना चाहिए अपनी बेटी पर, जो अपने हालात से तंग आकर मर जाना चाहती थी, लेकिन इसकी जरा सी हिम्मत ने इसे सर उठा के जीने के लायक बना दिया। तारा सिलाई करती जरूर है, लेकिन मेरे घर पर, वहां ये पढ़ाई भी करती है, बस्ती की औरतों को सिलाई सिखाती भी है और दूसरों के कपड़े भी सीती है, तब जाके उसने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। बताइए तो क्या बुरा करती है ये? बेटी, तू इतना काम करती रही और तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। बहन जी, आपने तारा की बहुत मदद की है। मेरी मदद? खाली मदद से क्या होता है, ये तो जीवन में कुछ कर दिखाने की बात है। आज तारा जो कुछ भी कर रही है या ये जहाँ पे भी है, ये इसके अपनी हिम्मत और मेहनत की बात है। आपने हमारी आंखें खोल दी। बेटी को किसी काबिल बनाना जरूरी होता है, ये बात अच्छी तरह हमारी समझ में आ गई है। अच्छा जी, आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, आप बैठिए, चाय पीकर जाइएगा, मैं अभी बनाता हूँ गरम गरम। चलिए ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई, इस खुशी में मैं चाय पी के जरूर। जी अभी बनाता हूँ। चलिए। और फिर शराब कहती है, मुझे पीकर आदमी मतवाला हो जाता है, मतवाला होकर वो झगड़ा फसाद करता है, सिर फुटावल तक की नौबत आ जाती है, सैकड़ों आदमी मेरी ही कृपा से जेल जाते हैं या गाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तो देखा आपने, नशे की हालत में इंसान को कभी कभी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जी दीदी। तो बोलो जय साक्षरता की। आज के लिए इतना ही, अब अगली कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। नमस्ते। अरे तारा, तुझे क्या हुआ? तुझे घर नहीं जाना? दीदी, मैं सोच रही हूँ कि ससुराल चली जाऊं। क्यों? इसलिए कि सतीश की पत्नी होने के नाते उसे एक बार सुधारने की कोशिश की जाए। ख्याल तो तेरा ठीक है, पर तू ये सब कैसे करेगी? वही तो सोच रही हूँ। दीदी, मैं एक बार आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। ठीक है तारा, पर तू करेगी क्या? दीदी, मेरे ख्याल से वो बीमार है, मन से भी और शरीर से भी, बस उसी का इलाज करने की कोशिश करूंगी। ठीक है तारा, ईश्वर तेरी मदद करे। अरे बहू, तू अखबार पढ़ रही है? तुझे पढ़ना लिखना आता है? जी माँ जी, मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया है। ये देखे, अखबार में इश्तिहार छपा है कि दवाइयों की मदद से शराब छुड़ाई जा सकती है। अच्छा, दवाई से अगर शराब छुड़ाई जा सकती है तो तुम मेरे बेटे की भी शराब छुड़ा देना, अब तो बस तू ही एक उम्मीद है मेरी। मा, मा, मुझे कुछ पैसे दे, देख, मैं शराब नहीं पीऊंगी तो मैं मर जाऊंगा। माँ
अरे शराब छोड़ने से नहीं मरेगा तू, इसके पीने से मर जाएगा। ले खाना रखा है, खाना खा ले। आखिर तू चाहती क्या है? बेटा हम चाहते हैं तू शराब छोड़ दे। मैं अगर चाहूँ ना माँ तो भी शराब नहीं छोड़ सकता। आप शराब पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा तारा, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। माँ जी आप इन्हें समझाइए ना। नहीं बेटा तारा ठीक कहती है, तू उसके साथ डॉक्टर के पास जाके तू देख ले। ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं डॉक्टर के पास भी जाकर देख लेता हूँ। तो फिर ठीक है, देर किस बात की है, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लिए चलती हूँ। आइए। तकलीफ हो रही ज्यादा? कल से कुछ खाए हो? ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो, मैं दवाई लिख देता हूँ, उठ जाओ। ऐसा है इसको कुछ दवाइयाँ दे दे रहा हूँ, और इन दवाइयों को आप इसे सुबह शाम खिलाइएगा, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि ये दोबारा दारू ना पिए। सुनिए। आओ सर। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ जरा बाहर तक जा रहा था। आपकी दवा का टाइम हो गया। अरे ये तो मैं भूल ही गया। इसे खा लीजिए। ठीक है, तुम जाओ मैं खा लेता हूँ। जी अच्छा। दवा या दारू? दवा। दारू। अरे ये क्या, आप फिर शराब पी रहे हैं? बस आखिरी बार पी रहा हूं तारा। अगर आप इसी तरह से शराब पीते रहेंगे तो फिर उन दवाइयों को खाने का क्या फायदा? चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन क्या करूं, जब मैं ही पीता ना तो ये जी घबराता है तारा, ये जी घबराता। मैं जानती हूं ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो आप शराब पीना छोड़ सकते हैं। मुझे कोशिश करनी ही होगी। ठीक है तारा, आज तुम्हारे कहने से मैं शराब भी छोड़ देता हूं। ये क्या, आप फिर शराब पी रहे हैं? अगर आप हिम्मत करें तो आपकी ये शराब की आदत छूट सकती है। जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा था, कि अगर आप ठीक से दवा लें तो आपकी ये शराब आपसे कोसों दूर भागेगी। चाय। अरे वाह, चाय पहले ही तैयार है। वाह बहुत बढ़िया। तारा आज ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। सो तो है, पर इस नए जन्म में आपको एक और काम करना होगा, और वो है कि आपको पढ़ना होगा। पढ़ना होगा? लेकिन पढ़ने के लिए मेरी उम्र निकल नहीं गई तारा। नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो पढ़ना लिखना सीख सकते हो।
शायद तुम ठीक कहती हो तारा। ठीक है तारा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बात बताऊं तारा? जी कहिए। तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है। मैंने तुम्हारे ऊपर ना जाने कितने जुल्म ढाए और तुमने। अब आप ये बातें छोड़िए और जल्दी से दुकान पर जाइए, सारे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। चाहता हूं तारा, लेकिन मेरे अंदर जो पशु था ना, अशिक्षा का पशु, निरक्षरता का जानवर, उसे तुमने ही मेरे अंदर से निकाला है तारा। मैंने कहा ना, अब आप अपनी पिछली बातें बिल्कुल भूल जाइए। कोशिश तो कर रहा हूं। कोशिश करने से इंसान बना जा सकता है। अच्छा तारा, अब मैं दुकान पर जा रहा हूँ। जी अच्छा, और शाम को जल्दी लौट आइएगा। हाँ तारा, मैं जल्दी आ जाऊँ।